सूरतुल इंशराब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक ववदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक। क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया, इंशराह नहीं दे दिया आपको, और आप पर जो एक जो बोझ पड़ा हुआ था वो उठा नहीं लिया। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जो आपकी कमर को दोहरे किए दे रहा था, तोड़े दे रहा था। वरफ़अना लक ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, तो यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ, तो जब आप फारिग हो जाएं तो फिर ये कि खूब कमर कस लीजिए, मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रागिब हो जाइए। ये मुश्किलातुल कुरान में से है। आमतौर पर समझते हैं लोग कि जो मुशक्क़तें थी दावत व तबलीग में, और जो आपके ऊपर जो लोग फिक्र चुस्त कर रहे थे उसकी वजह से आपको ये रंज हो रहा था, तो यहाँ असल में ये बात नहीं है। वो भी है अपनी जगह पर, हकीकत में बात कौन सी है। और क्योंकि ये भी मालूम है कि ये बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरतें हैं, लिहाजा उस दौर में तो अभी उस तरीके का जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुखालफत भी नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा बड़े मराहिल से आपको गुजरना पड़ा है। 3 साल की जो भी कुशे में बनी हाशिम की कैद है वो बाद की बात है, जो योम ताइफ आ रहा है वो उसके बहुत बाद की बात है, योम और बहुत बाद में आ रहा है। ये असल में क्या है, जिस शख्स को अल्लाह ताला नबूवत देता है उसकी सबसे ज्यादा जो ख्वाहिश होती है वो अल्लाह के साथ लौ लगाकर बैठा रहे। और रिसालत का फरीजा ऐसा है कि जाओ जाओ खल्क़े खुदा को हिदायत का रास्ता दिखाओ। अब कहां वो कैफियत, दिन ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, कहाँ ये, कहाँ अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह का बंदा खड़ा है रात के वक्त, क्या उसकी कैफियत है, उसके कल्ब की, उसकी रूह की क्या इंशरा है, क्या इंबिसात है, किन बुलंदियों पर इस वक्त वो है, किस रूहानी वसतों के अंदर जो है वो उस वक्त पैराकी कर रहा है, और कब जा रहा है, जा रहा है, किसी ने कह दिया पागल है, किसी ने कह दिया कि ये तो मजनून है, देखो जरा ये शख्स है जो कहता है आपके माबूदों को कि ये गलत है। अब उसका एक तकद्दुर हो रहा है दिल के ऊपर, कहाँ वो कैफियत। अल्लामा इकबाल ने इसे लिखा है, 4th लेक्चर है उनका जो खुतबात में से, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का कौल दिया है। वो कहीं किसी कैफियत में बैठे हुए थे इसी तरह मुराकबे में, अचानक इकामत की आवाज़ आ गई, अब जमात खड़ी हो रही, तो वो आरल खड़ा होना है, वो तो नमाज में तो जाना है, तो कहा क्या, झुंझला कर कहा, हुजूरी से निकाल कर दरबारी में खड़ा कर दिया। उस वक्त जिस मुराकबे की कैफियत में मैं था वो तो हुजूरी की कैफियत मुझे हासिल थी, अब मैं दरबानी में आ गया हूँ। यहाँ पर नमाज तो आप पढ़ेंगे तो इमाम के पीछे पढ़ेंगे, उसने कहा अल्लाह अकबर तो करना ही है रुकू, चाहे अभी आपके दिल चाह रहा है और कुरान पढ़ा जाए तो कैसे होगा, तो उसका हुक्म मानना आपने। आप चाह रहे हैं सजदे में पड़े रहें अभी सर ना उठाएं, लेकिन वो तो कहेगा अल्लाह अकबर तो सर आपने उठाना ही है। तो वो एक और निज़ाम है, वो निज़ाम बाजमात है, उससे एक जमात की तशकील जो है वो मतलूब है, और एक है इंसान का अपना रूहानी तरफ, उसके कुछ और तकाजे होते हैं। तो जैसे हज़रत मूसा से कहा गया हर दफ़ा आपने देखा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तगा, और वो अगर वहीं पर रहते डेरा लगा देते, हर वक्त गुफ्तगू हो रही है, मुखातबा मुकालमा मिल रहा है, तो जो लज्जत उसमें थी, इसके अंदर जो है वो जो मुशक्क़त है वो ये थी। रफ्ता रफ्ता फिर आपका मिजाज इसका खूगर हुआ है, और फिर ये कि जब अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से लोगों को भी शामिल कर दिया, फिर वो जो तस्कीन पैदा हुई कि एक शख्स वो होता है जो अकेला, इसको मौलाना रूम ने बड़ी खूबसूरती से बारिश का एक बताया है मिसाल, कि बारिश में एक मरहला होता है कि समंदर से बुखारात ऊपर जा रहे हैं, नहायत साफ शफाफ, उसमें तो कोई कदूरत नहीं होती, वो तो डिस्टिल्ड वाटर जा रहा है, वो ऊपर गया, फिर वो गया उसने बारिश की शक्ल इख्तियार की, जब बारिश को बनकर वो गिरा है तो उसने अब फिजा को भी धो दिया, तो फिजा की कदूरत अपने अंदर ली ना, फिजा को साफ करके वो आया नीचे, जमीन का भी गंद साफ करता है, साफ करके और वो गंद लेके दरिया में शामिल हुआ, और फिर गया और समंदर में जाकर गंद उसने वहां छोड़ा, फिर वो पाक होकर साफ होकर बड़ी ही यानी लतीफ शक्ल में, फिर ये हो रही है, ये है एक सैर इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बढ़ा जा रहा है, रात को अल्लाह का बंदा खड़ा है और अल्लाह से मुनाजात हो रही है, ये वो है बुखारात का ऊपर उठना, नहायत पाकीज़ा लतीफ कैफियत। और जब आप आए हैं तो बारिश के मानिंद हैं, अब आप धो रहे हैं, तो जो धो रहे हैं उससे खुद अपने आप को भी तकद्दुर होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने फिक्रा चुस्त कर दिया,
अब आपको जरूरत है कि फिर जरा अपने आप को भी साफ करें दोबारा, फिर रात को खड़े हो जाएं। सैर इलल्लाह, सैर फिल्लाह, सैर अनिल्लाह इलल्लाह, ये जो है जो तबलीग का और फरीदा रिसालत है, ये भी सैर इलल्लाह है नतीजे के एतबार से, लेकिन इस वक्त अनिल्लाह है, अल्लाह की तरफ तो पुष्ट हो गई। अब देखिए, जब आप नमाज में खड़े हैं तो रुख किधर है? अल्लाह की तरफ। जा रहे हैं तबलीग के लिए तो अल्लाह की तरफ तो पुष्ट हो गई। अब तो आप जा रहे हैं तो खल्क की तरफ आपका रुख है, अल्लाह की तरफ तो पुष्ट है। इस हवाले से वो उरूज है, ये नुजूल है, और ये नुजूल जो है ये बड़ा शाख गुजरता है किसी ऐसे शख्स पर जिसे उरूज की लज्जत हासिल हो गई हो। ये है वो सख्ती, अलम नशरह लक सदरक व वज़ाना अनका विदरक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब। ए नबी, वो वक्त आ जाएगा आप अपने इस फर्ज मनसबी से जब फारिग हो जाएंगे, जब अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा, फिर आप यकसू होकर, वो जो आखिर में आया इज़ा जा नसुल्लाह वल फत व रायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहमद रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, फिर आप हमा तन हमा वक्त उसी काम में लग जाइए। और इसीलिए हुजूर ने उस वक्त आखिरी फैसला किया, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, बस अब मैं फारिग हुआ और अब मैं मजीद ताखीर नहीं चाहता। हालांकि नबियों को ये ऑप्शन मिलता है, अगर आप अभी चाहें तो और रह सकते हैं दुनिया में, ये ऑप्शन मिला है। चुनांचे हुजूर ने अपने मरद वफात में जो खबर दी आकर, जब आपने नमाज पढ़ाई है, बीमारी में जरा सी कमी हुई थी, बाहर आप आए हैं, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, हजरत अबू बकर के पास जाकर आप जो है बैठ गए। अब हजरत अबू बकर जो है वो इक्तदा कर रहे हैं हुजूर की, और पूरी जमात कर रही है इक्तदा हजरत अबू बकर की। ये नमाज है आखिरी बाजमात नमाज, उसमें हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अपने बंदे को एक ऑप्शन दी है, एक इख्तियार दिया है, वो चाहे तो, अब जो एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है, नतीजा उसका यही है कि चाहे तो अभी दुनिया में और रहे, तो बंदे ने अल्लाह को कबूल कर लिया है। हजरत अबू बकर रो पड़े और लोग हैरान हुए, रो क्यों रहे ये बिल्कुल कोई बात ऐसी है नहीं। उनके समझ में आ गया था कि आपने अपने इंतकाल की खबर कर हमें दे दी। तो ये फैसला अल्लाह फिर रफीकिल आला, ये जो शाख गुजर रहा था ना, ये दुनिया के अंदर मामला दावत और तबलीग, ये उस रूहानी जो रब्त होता है अल्लाह के साथ, उसके एतबार से उसमें रखना पड़ता है, कहाँ वो कैफियत कहाँ ये कैफियत। और इसकी वजह से जल्दी आपने फरमाई, मैं समझता हूँ कि अगर अभी जो लोग, ये इतना अजीम इनकलाब बरपा हुआ था अरब में, और यद रायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, इनकी अभी बड़ी तरबियत की ज़रूरत थी, ये तरबियत के मराहिल अभी उनके पूरे नहीं हुए थे। ये तो सिर्फ मक्के और मदीने के लोग थे जो आपकी तरबियत से इस तरीके से बहरअंदोज हुए और उन मुस्तफीद हुए, ये जो पूरा अरब जो है ईमान ले आया, और उनको तो आपकी तरबियत का अभी वक्त नहीं मिला। बहरहाल जब ये काम हो चुकेगा मोहम्मद, तो बस फिर आप हमा तन हमा वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए।